अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दवाओं के दाम में हेरा फेरी और इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल बनाने का आरोप लगाने वाले सपा विधायक अतुल प्रधान की घेराबंदी कर दी गई है। सपा विधायक व समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद आज चिकित्सकों के संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वह किसी हॉस्पिटल अथवा चिकित्सक का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतागिरी चमकाने के लिए नर्सिंग होम में बिल कम कराना व हंगामा करने का वह लगातार विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसे ही हालात रहे तो मरीजों का इलाज संभव नहीं होगा। वहीं न्यूटीमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शालीन शर्मा ने आगे बढ़ते हुए विधायक अतुल प्रधान को ही चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है, भविष्य में मरीज के जितने पैसे अतुल प्रधान छोड़ने की बात करें उसका आधा भुगतान विधायक करें, जबकि आधा न्यूटीमा हॉस्पिटल वहन करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि विधायक अतुल प्रधान ने हंगामे के दौरान सीधे डॉक्टर संदीप गर्ग से सवाल किया था कि मरीज हॉस्पिटल स्थित मेडिकल स्टोर से ही दवा क्यों ले, मरीज पर उनके ही स्टोर से दवा लेने का दबाव क्यों डाला जा रहा है। इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिटिश पाठक ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। उधर आज विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन कुछ चिकित्सकों ने इस पेशे को कलंकित कर दिया है। न्यूटीमा संचालकों को किस बात का डर है कि उन्होंने सब कुछ समाप्त होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज करा दी। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि अनाप शनाप बिल बनाने वाले न्यूटीमा हॉस्पिटल ने अवैध रूप से बेसमेंट बना दिया है। इसके अलावा विधायक ने तमाम गंभीर सवाल खड़े भी किए हैं, जो निश्चित रूप से मेडिकल लाइन से जुड़े तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। विगत दिवस सीएमओ ने टीम के साथ न्यूटीमा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। वहीं विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर न्यूटीमा हॉस्पिटल के संचालकों में से एक डॉक्टर शालीन शर्मा का यह कहना था। डॉक्टर शालीन शर्मा यूरोलॉजिस्ट हूं मैं, और बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत ही सस्ती नेतागिरी का, कि आप अपने क्षेत्र के मरीज को यहाँ भेज दीजिए और आप उस मरीज से कहिए कि तू अपना इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से कराता रहे। आप एक बहुत ही बड़े नेता यहाँ आ जाते हैं छुट्टी के टाइम पे आकर के कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो बहुत गरीब है, 5 लाख का बिल है, ये तो 2 लाख रुपए देगा, 3 लाख रुपए माफ कर दीजिए। अरे अगर नेताजी को इतना ख्याल है तो मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए मैं दूंगा, 1 लाख रुपए नेताजी दे दे। उधर विधायक अतुल प्रधान ने आज अपने खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद यह कहा है। हमने ये कहा कि इस समय डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया और बहुत सारी बीमारियां इस समय गांव देहात और शहर में चल रही हैं, जिसमें जान की भी हानि हो रही है और साथ साथ लोगों का पैसा भी लूट रहा है। हमने ये बात वहां पर कही कि अगर सरकारी जगहों पर, सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज सही समय पर मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, तो किसी को प्राइवेट अस्पताल में ना जाना पड़े। डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला है, क्योंकि उसके हाथ में हमारा जीवन है, अपने लोगों का जीवन है। और जो इस समय का समय चल रहा है, मैं ये कहने लगूं कि डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय इस पेशे को कलंकित कर रहे हैं। हमारा सीधा CMO साहब से कहना था कि जो प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पर आप देखेंगे मेडिकल स्टोर अस्पताल के अंदर है, दवाई कंपलसरी कर दी गई है, मेडिकल स्टोर अस्पताल से ली जाएगी, और कई अस्पतालों में तो ऐसा है कि कोड बनाए जा रहे हैं और कोड बनाकर दवाइयां जबरदस्ती उसी अस्पताल से लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैंने न्यूटीमा में जाने से पहले मेरठ के जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी कि मेरे क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति जिनके घर में अभी जल्द में उनके पिता की, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, और उसके बाद अब उनके बेटे की बहू, पुत्र वधु अस्पताल में भर्ती है। मुझे सूचना मिली है कि वो जो उनकी पुत्र वधु है, जब बच्चा होने वाला था उससे पहले बताया गया सारे टेस्ट करके कि बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हैं। जब डिलीवरी हो गई उसके बाद कई दिन तक बच्चा शीशे में रखा गया, लगभग 4.5 लाख का बिल बन गया,
उन्होंने कई बार कहा कि यहाँ से दवाई महंगी मिल रही है, तो डॉक्टरों ने दबाव बनाया, सब डॉक्टर नहीं जो देख रहे थे डॉक्टर, उन्होंने दबाव बनाया कि दवाई तो यहीं से लेनी पड़ेगी और 4.5 लाख का बिल बैठा दिया। जिसकी सूचना मुझे मिली, मैंने DM महोदय को बताया अस्पताल पहुंचने से पहले कि CMO साहब को भेजिए, इसकी जांच कराइए। उसके बाद मेरी CMO से बात हुई, CMO ने कहा हम डॉक्टर्स भेज रहे हैं, CMO भेज रहे हैं, ये टीम आ रही है बंद। उसके बाद हमारी बात कप्तान साहब को हमने फ़ोन मिलाया, मेरी CO साहब से बात हुई, CO साहब से मैंने कहा कि वहाँ पर पुलिस का प्रबंध करा दीजिए जिससे सब चीज़ें सुरक्षित रहें, सब चीज़ों का पता रहे। जब हमारी डॉक्टर साहब की वार्ता हुई तो वार्ता में कई बार बिल का जिक्र हुआ, वहाँ पर फिर डॉक्टर्स और आए, उन्होंने कहा अंदर बैठकर बात कर लीजिए, हमने अंदर चले गए जहाँ पर SHO मेडिकल, दो अन्य दरोगा, कई डॉक्टर IMA के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और उनके उनके बीच में बैठकर बात ये हुई कि इसका बिल कम करा दिया जाएगा जो गलत है, आप जो है चले जाइए। तो हम लोग वहाँ से मरीज को छोड़कर चले आए, उन्होंने फिर बाद में कंसेशन किया और कंसेशन करके मरीज को वहाँ से भेज दिया। अभी आज सुबह पता चला अखबार में कि किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई। हमारा अपना कहना ये है कि वहाँ पर सब चीज़ें समाप्त हो गई थी, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है बाद में उनसे पता चला कि वहाँ पर जो ये लोग बाउंसर रखते हैं तथा कथित सुरक्षाकर्मी, उन्होंने नाजायज तरीके से जो पेशेंट है उनके जमींदारों पर दबाव बनाया हमारे आने के पहले और उनसे कहा कि इतने पैसे जमा करिए नहीं तो तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे, तुम्हारी यहीं से गिरफ्तारी कराएंगे और तुम्हें और अनाप शनाप जो अवट्टा कर सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, वो उन्होंने उनके साथ किया। मुझे जानकारी हुई कि न्यूट्रीमा का जो MBA से नक्शा पास है, इनको जो डर लग रहा है असली डर इस चीज़ का है, जब सूबे के उप मुख्यमंत्री ने एक 3 सदस्य कमेटी बना दी और उसे कहा गया कि पूरी जांच इस प्रकरण की करिए और जो दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो ऐसी क्या जल्दी आ गई थी उन लोगों को कि उन्होंने आनन फानन में इस तरह का कदम उठाया। वो कमेटी जो जांच करेगी, पीड़ित व्यक्ति से बात करेगी, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा जनता से साहूकार है, मैं उन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ और मेरी पूरी की पूरा जीवन गरीबों को, किसानों को और कमजोर लोगों को समर्पित है। उन पर जब भी कोई आँच आएगी हम लोग निश्चित रूप से उनकी तरफ खड़े होंगे और अगर कोई उनके साथ जाती करेगा तो उसके लिए भी जो भी लोकतंत्र में तरीका बताया गया है उस तरीके के तहत आंदोलन करेंगे। मैंने MDA से जानकारी मांगी है कि जब आपने उनका नक्शा पास किया, क्या उस नक्शे के हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पर निर्माण कर रखा है? पता चला कि नक्शे के हिसाब से उसमें 60% हिस्सा ऐसा है जो नक्शे के हिसाब से बना हुआ नहीं है, बेसमेंट वहाँ पर चल रहा है, बेसमेंट है पार्किंग के लिए, उसमें उन्होंने मरीजों की जान को खतरे में डालकर उसमें OPD चल रही है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आप पता कर लीजिए जो उसका भारी हिस्सा है, पता चला कि उस पर बुलडोजर चलने वाला था लेकिन कुछ अपनी ताकत लगाकर रिश्वत घूस देकर उन्होंने उसको बचा लिया। अगर यहाँ पर इनकम टैक्स और GST का छापा लगे तो यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की चोरी पकड़ी जाएगी और ये लोग नगद पैसा लेते हैं फीस का, कितनी फीस ले लें, कितना क्या कर दें, जांच के नाम पर, आपके टेस्ट के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर, अपनी फीस के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, कहीं ICU के नाम पर, कहीं NICU के नाम पर और तमाम इस तरह का चीज़ें चल रहे हैं। मैंने पता किया IMA से कि आपके यहाँ कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने कहा हमारे 120, मेरठ में हॉस्पिटल कितने हैं सैकड़ों की संख्या में, 322 तो सिर्फ आपके CMO के यहाँ रजिस्टर्ड हैं और जो गलत चल रहे हैं उनकी संख्या किसी ने बताई कि शायद 1000 भी पूरे मेरठ जिले में हो सकते हैं, तो इसके पीछे बात क्या है? हमें बताएं कि जिन लोगों को आपने मान्यता दे रखी है उनके कागज क्यों मुहैया मीडिया के लोगों को नहीं कराते? वहाँ पर स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उनकी जो स्थिति है, चाहे वो फायर ब्रिगेड से NOC ले रखी हो,
जान को जोखिम में डालकर इस तरह का इलाज किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन।